बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं 23 ईयर से कंटिन्यू आ रही हूँ यहाँ पे। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, मैं तो आज फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम? मैं आई हूँ पहले भी, हम असम से आए इधर। जबलपुर से आए हैं आज, आज ही पहली बार आते रहते हैं, हर साल आते हैं। अच्छा, मतलब अच्छा लग रहा है माता के दरबार में। जबलपुर से कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। जी नहीं, हर साल आते हैं नवरात्र में जी। दर्शन लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहीं से हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। जय माता दी। जबलपुर आती रहती हूँ। संस्कार धानी जबलपुर आस्था, श्रद्धा और संस्कारों के लिए जाना जाता है। जबलपुर से करीब 14 किलोमीटर दूर तेवर गांव में मां त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, जिनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई है। माता के दर्शन के लिए देश प्रदेश से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से भक्त दौड़े चले आते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भक्त यहाँ श्रद्धा भाव से माता के दरबार में एक नारियल चढ़ाएगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तब से त्रिपुर सुंदरी मंदिर में नारियल बांधा जाने लगा। नवरात्रि में विशेष तौर पे दर्शनार्थी के लिए 4 बजे से 6 बजे जल चढ़ाने का टाइम रहता है। 4 बजे से 6 बजे आए, जल चढ़ाएं, दर्शन करें और 9 अखंड ज्योति जलती है 9 दिन के लिए, जवारे रखे जाते हैं। तो यहाँ पर माता रानी की कुछ ऐसी कृपा रहती है कि जो आदमी जो मन्नत मांगते हैं देश विदेशों से, देश प्रदेशों से आते हैं, तो माता रानी की कामना पूर्ण करती हैं। तो माता जी की कृपा से तो अभी नवरात्रि के समय पे लाखों लोग आते हैं, है ना। तो 9 दिन तक डेली जल चढ़ाया जाता है, 9वें दिन जवारे निकाले जाते हैं। ये विशेष कहलाता है। बताया जाता है त्रिपुर सुंदरी मंदिर के पहले पुजारी को 10 साल की उम्र में माँ भगवती ने अपने सपने में दर्शन दिए थे, इसके बाद से ही वो माता की सेवा करने लगे। यहाँ नवरात्र पर त्रिपुर में मेला लग जाता है और दूर दूर से भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं। और नवरात्रि में जो 9 दिन सुबह 4 से 6 के बीच में आकर जल चढ़ाता है, पूजा पाठ करता है और अखंड दीपक जलाता है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। दरअसल त्रिपुर सुंदरी मंदिर की खास बात यह है कि वह पुरातत्व महत्व रखता है। पुरातत्व विभाग ने भी त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा की जांच कर बताया है कि यह प्रतिमा करीब 2000 साल पुरानी है, लेकिन धार्मिक मान्यताएं बताती हैं कि ये मूर्ति 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा, जिसमें महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का स्वरूप है, यह संसार में कहीं और देखने को नहीं मिलता। लग रहा है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माता के दरबार में। यहीं से हैं आप? जी नहीं, हम ITI से हैं। आप कहाँ से हैं दादी? जबलपुर से। जबलपुर से हैं, कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से हैं? जबलपुर से। जबलपुर से हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से हैं? शिमला से हैं। शिमला से आए हैं? जी हाँ। दर्शन करने केवल? जी हाँ। तो अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो पहले से प्लान किया था कि यहाँ आके यहाँ आना है क्या? नहीं, यहाँ आने के बाद। यहाँ आने के बाद प्लान? हाँ जी हाँ। आप कहाँ से हैं? मैं जबलपुर से हूँ। जबलपुर से जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। थैंक यू। आप कहाँ से हैं मैम? जबलपुर से। जबलपुर से हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। डेली आती हैं आप? नहीं, आज पहली बार आई हूँ। पहली बार। आप डेली आते हैं? नहीं, डेली नहीं आते, जबलपुर से आए हैं आज। आज ही पहली बार? पहली बार नहीं, पहली बार है, आते रहते हैं, हर साल आते हैं। अच्छा, मतलब इस साल पहली बार है? हाँ, इस साल पहली बार। आप कहाँ? जबलपुर शोभापुर से आए हुए हैं। हाँ, शोभापुर। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ बहुत अच्छा, हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए जी। आप कहाँ से हैं? जी शोभापुर से आए हैं, जबल बीकल फैक्ट्री के पास, शोभापुर जी। जी, यहाँ पहली बार है? नहीं नहीं, हर साल आते हैं नवरात्र में जी। दर्शन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना काल के बाद बड़े दिन बाद ऐसे दर्शन करने को मिल रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा, हर नवरात्र में आते हैं। हर नवरात्र यहीं से? जबलपुर से जी, यहीं से। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। यहीं से हैं आप? जबलपुर। अच्छा, हर साल आते हैं आप यहाँ? आप हर साल आते हैं? हर साल नवरात्रि में? हर नवरात्रि में? केवल नवरात्रि में? क्यों नहीं, हमेशा आते हैं, कभी आ जाते हैं। माता बुलाती है तभी आ जाते हैं। यहीं के हैं? हाँ जी। आप कब आती हैं? हम हमेशा आते रहते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। जय माता दी। जय माता दी। आप? मैं यहीं की, जबल। यहीं के हैं? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हम ग्वारी घाट से हूँ। ग्वारी घाट से ही है जबलपुर? हाँ, हाँ जी जी। डेली आते हैं आप? ना डेली नहीं आती हूँ, आज ही आई हूँ। आज ही आई जी। जबल पहली बार आई इस मंदिर पे? नहीं नहीं, दूसरी बार आई। दूसरी बार जी। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, आते हो आप यहीं? नहीं नहीं, मैं तो आज फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम? हाँ। रहते जबलपुर में ही हो? हाँ, जबलपुर में रहते। आप? मैं आई हूँ पहले भी, हम असम से आए इधर। असम से यहाँ दर्शन करने? दर्शन करने, हम इधर जॉब करते तो मंदिर पता चला यहाँ के बारे में, तो आगे दर्शन करने। आप अकेले आओगे? मेरी फ्रेंड है, साथ में हम लोग। यहाँ जॉब करते हो आप? हाँ जी। अच्छा, आप मैम?
मैं जबलपुर से ही हूँ, लोकल जबलपुर आती रहती हूँ। आते रहते हो, आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, यहीं से हो आप? आप कहाँ से? मैम अहमदाबाद से, गुजरात। तो जबलपुर दर्शन करने आई हैं? हाँ, जबलपुर घूमने भी आए, दर्शन करने। घूमने आई थी कि दर्शन करने आई? दोनों। दोनों। कब से हैं आप जबलपुर में? अच्छी। कब से हैं जबलपुर में आप? आज सुबह से। आज सुबह से। कैसा लग रहा है आप यहाँ? अच्छा है। अच्छा, कुछ मंदिर के बारे में बताएंगे? इसके बारे में, मंदिर के बारे में सुना है मेरी फ्रेंड से कि बांसवाड़ा में भी है एक ऐसा मंदिर। आपने क्या सुना है इसके बारे में? किसी से सुन के आई है या खुद जानते? नहीं, मैं 23 ईयर से कंटिन्यू आ रही हूँ यहाँ पे। 23 ईयर से? ओह माय गॉड। अभी आप जबलपुर में रह रहे हैं? जी जी, जबलपुर में। क्या नाम है आपका? प्रीति दुबे। आपका क्या नाम है? प्रियंका नारंग। अच्छा, आप हमेशा? हम हर साल यहाँ पर आते हैं दर्शन करने। कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। आप कहाँ से? अहमदाबाद से, घूमने आए। तो यहाँ घूमने आई हैं आप? हाँ। अच्छा, दर्शन करने। हाँ। तो यहाँ कब से रह रही हैं आप जबलपुर में? नहीं नहीं, हम साथ में ग्रुप में आए हैं। आप मैं कहाँ से? मैं से जबलपुर से। कैसा लगता है यहाँ पे आके? अच्छा लगता है। कुछ मंदिर के बारे में बताएंगे? 3 साल बाद आए हैं सब। 3 साल बाद आए हैं? अच्छा, कोरोना के बाद बड़े दिन बाद ऐसे देखने को मिल रहा है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है दर्शन करने। अच्छा जी। आप यहीं से? जबलपुर से? यहीं रामपुर से। रामपुर से। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप ये सब कहाँ माता जी चढ़ाने ले जाए जी? ये पूरा चढ़ा दोगे या कुछ बचाओगे? अब पता नहीं, पूरी चढ़ा देंगे। हाँ, पूरी चढ़ा देंगे। आप यही जबलपुर से? आप मैम? मैं भिटौनी से आई हूँ। कहाँ से आए? भिटौनी से। भिटौनी? भिटौनी, सेपरा भिटौनी। अच्छा अच्छा, तो जबलपुर कब आई हैं आप यहाँ? जी, मैं आज ही वहीं से डायरेक्ट यहाँ आ रही हूँ। वहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ आ रही हैं? जी। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ पे दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है माता जी के दर्शन। कोरोना काल के बाद बड़े दिन बाद दर्शन करने को मिल रहा है, कैसा फील हो रहा है आपको? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो यहाँ आती ही रहती हूँ और माता के दर्शन करने के लिए। जी, क्या नाम है आपका? जी, रोशनी सिंह सेंगर। आप कहाँ से मैम? हम सरकारी कुआ घमापुर। घमापुर जबलपुर से? जी हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। हमेशा आती हैं? हाँ, हमेशा। अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि बिकॉज कोविड के बाद बड़े दिन बाद ऐसे दर्शन करने को मिल रहा है खुला। हाँ, ये तो है, माता रानी कृपा से कोविड हमेशा के लिए अलग हो जाए। जी जी जी, यही प्रार्थना माता रानी। जबलपुर से ही हैं आप? जबलपुर से। हेलो, कहाँ से हैं सर? मैं कांचगर जबलपुर से। कांचगर जबलपुर से। हमेशा आते हैं आप? हमेशा आते हैं। हाँ, रात्रि में या स्पेशल डे में? कुछ नहीं, कभी भी आता हूँ, माता के प्रति श्रद्धा है मेरी। कोविड के बाद बड़े दिन बाद ऐसे दर्शन करने को कैसा लग रहा है? सौभाग्य, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, हर साल आते हैं। यहीं से हैं आप? हाँ, यहीं जबलपुर का ही हूँ। सर, आप बताएंगे इस मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे? सर, मंदिर तो बहुत सालों पुराना है, मैं से भी यहाँ 10 साल से हूँ। 10 साल में जो अभी बहुत परिवर्तन हो गया है यहाँ पे देखने में, और यहाँ तो खैर महिमा बहुत पुरानी है, तो जो लोगों से सुना है उसके और जो चमत्कार यहाँ के हैं, तो मैं तो हर साल हमेशा आते हैं। हाँ, जबलपुर से ही हैं? नहीं, मैं जबलपुर से तो नहीं हूँ, अभी 10 साल से जबलपुर में हूँ मैं। अच्छा, 10 साल से जबलपुर में जी। हैं कहाँ से आप? मैं राजोगढ़ गुना। अच्छा अच्छा, सर आप बताएंगे किस मंदिर के बारे में बताइए? मंदिर तो बहुत पुराना है, हम लोग हर साल आते हैं। हर साल आते हैं? हाँ, नवरात्रि में आते हैं, दशहरा में आते हैं, क्योंकि कोविड के बाद बड़े दिन बाद दर्शन। हाँ हाँ, बहुत दिन बाद। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी पापा जी के साथ है। हाँ, सर आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही यहाँ आके सुकून मिलता है। सुकून मिलता है हर नवरात्रि में। तो जी, हर नवरात्रि में यहाँ दोनों नवरात्रि। अभी तो 2 साल कोरोना ही थे तब तक, फिर भी यहाँ आ गए थे दर्शन करने आते। सारे दुख दर्द टेंशन सारी खत्म हो जाती है जी। यहाँ माता के दरबार में आके सब सही हो जाता है। यहीं से हैं सर आप? हाँ, यहीं से हैं। सर आप कहाँ से? सर मैं रामपुर से हूँ। रामपुर से जी। हमेशा आते हैं आप यहाँ? मैं अभी 2 साल से तो आए नहीं, लेकिन कई सालों से आने के लिए सोचा, लेकिन नवरात्रि में आने के लिए भी कुछ ठान लिया था कि आएंगे ही आएंगे। मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे? मंदिर सर आते जाते हैं, हम इसे सुनते हैं बस। अच्छा अच्छा। त्रिपुर पर्वत स्थित माँ वैष्णो देवी में भी इन तीनों देवियों की पिंडी स्वरूप है। केवल त्रिपुर सुंदरी मंदिर ही ऐसा मंदिर है जहाँ देवियों की प्रतिमा स्वरूप मिलता है, और यही इस मंदिर को खास बनाता है। मंदिर में लाखों की संख्या में लोग हर साल आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माँ के दरबार में नारियल बांधते हैं। जबलपुर से शिवम कुशवाहा की रिपोर्ट।